अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू अपलोड। आज मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी कोई मज़े की म्यूज़िक ऐड करो ना, हमेशा कॉपीराइट क्लेम जो है वो आ जाता है। तो उससे बेहतर ये कि मैं वॉइस ओवर ही कर लिया करूँ, और उसके बाद क्योंकि बड़ी परेशानी सी महसूस होती है इंसान को। तो जी, आज का जो लुक है ये बड़ा क्लासिक स्मोकी आई मेकअप है, जो कि बहुत ईजी टू डू है, और आप 5 से 6 मिनट के अंदर ये जो आई लुक है वो आप बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उनके अटैचमेंट्स मैंने ऊपर कर दिए, उनके जो नाम वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह डाल दूँगी। शेड्स जो मैंने यूज़ किए उनके लिए भी मैंने साथ में आपको पता सिग्नल दे दिया है, बता दिया कि मैं कौन से शेड्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जो मेकअप है ये बहुत इजी टेक्निक साथ मैंने किया है। आईब्रोज जो है मैंने ऑलरेडी पहले से फिल की हैं, और मेरी ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने आईब्रोज़ को फिल करना, इनको नीटअप करना, सब चीज़ें बताई हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं हो हर वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर आईब्रोज़ जो है उनको फिल करना नहीं बताती हूँ। लेकिन अगर आप मेरी 1 से 2 वीडियोज़ छोड़ छोड़ के भी अगर आप किसी भी वीडियो को क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर आईब्रोज़ को प्रॉपर फिल करने का, उनको नीटअप करने का, और किस तरह से उनको बनाते हैं वो मैंने ज़रूर उसका तरीका डाला हुआ है हर वीडियो के अंदर ही, लेकिन इस वीडियो में मैंने नहीं डाला है। तो अगर आपने वो तरीकाकार सीखना हो कि आईब्रोज़ को किस तरह से फिल करते हैं, तो मेरी दूसरी सब वीडियोज़ के अंदर मौजूद है। इसके बाद देखिए, मैं दूसरा मैंने स्मोकी ग्रे सा है, बड़ा लाइट सा ब्लैक जो कलर होता है ना, ग्रे कलर जो होता है, उसके साथ जो है मैं अंदर फिलिंग कर रही हूँ। और मैंने कोई कट क्रीज़ नहीं किया किसी बेस के साथ या किसी कंसीलर के साथ, मैंने अंदर से कोई क्रीज़ कट नहीं किया, नीट नहीं किया, बल्कि उसी जो मैंने ऑरेंजी जो शेड मैंने अप्लाई किया था ना, ऑरेंजी रेड, उसी के अंदर मैंने ये ग्रे जो शेड है इसको अप्लाई कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से इसको जो है आप ब्लेंड करें, बहुत अच्छी तरह से आप इसको डिपॉजिट करें इस कलर को, कोई जल्दी नहीं है मेकअप के अंदर, आराम से कौन से मेकअप किया करें। अच्छी तरह से कलर डिपॉजिट करने के बाद आपने इसको नीट भी करना है, जैसे मैं देख रही हूँ कि किस किस जगह पे मेरे आई शेडो लगाने की मज़ीद ज़रूरत है या कहाँ कहाँ पे इसको मज़ीद नीट करने की ज़रूरत है। तो मैं उसी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्रश मैंने दोनों ही शेड्स के लिए जो है फ्लफ़ी राउंड ब्रश मैंने यूज़ किया है, फ्लैट ब्रश मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया है। उसके बाद मैंने ब्राउन और ऑरेंज दो जो मैट आई शेडोज़ हैं उनको मैंने मिक्स किया है, अपनी जो लोअर लैश लाइन है उसको थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए। इससे आंखें खुली खुली लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी, और क्योंकि हम स्मोकी लुक दे रहे हैं तो स्मोकी लुक के साथ वैसे भी आंखें जो हैं थोड़ी सी, जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को स्मोकी मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन आँखें थोड़ी सी दबी दबी सी लगती हैं। लेकिन उसके बाद मैंने नीचे जब आई शेडो अप्लाई किया तो उसकी आँखें थोड़ी सी पॉपअप और बड़ी बड़ी लगने लगी हैं। उसके बाद सिल्वर कलर का हाईलाइटर लें, उसको ब्रो बोन पर लगाएं। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका हाईलाइटर है वो बहुत अच्छी तरह से आपके आई शेडोज़ के साथ जो है ब्लेंड होना चाहिए, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए हाईलाइटर के आपने अलग से ही ऊपर कोई आपने सिल्वर कलर सा रख दिया। उसके बाद अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को ज़रूर हाईलाइट करें, मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे आईज़ को हाईलाइट करना। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अपने आईज़ के इनर एरिया को हाईलाइट करना। और मैंने इसको सिल्वर कलर के साथ किया है, अगर आप गोल्डन से करना चाहें तो आप गोल्डन के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं एक मार्कर आई लाइनर लूँगी, मैंने साथ में अटैचमेंट कर दी है जो जो से ब्रांड्स में यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इनके जो नाम वगैरह है वो मैं इनके अंदर ऐड कर दूँ, ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं अफोर्डेबल यूज़ कर रही थी, और कुछ जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव मैं यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, आप लोग इजीली जो है उनको अफोर्ड कर सकते हैं। मैं डिफरेंट किस्म के मेकअप्स के साथ जो है प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप कर रही होती हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनके डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, उनके अटैचमेंट साथ कर दूँ। तो जी, मैंने मार्कर आई लाइनर के साथ एक बहुत स्ट्रेट सा, बहुत सिंपल सा, बड़ा क्लासिक सा एक आई लाइनर लगाया, कोई कैट लुक वगैरह, कोई विंग वगैरह कुछ भी मैंने क्रिएट नहीं किया, और बल्कि मैंने अपनी आईज़ के अंदर आज ज़्यादा इनर वी भी नहीं बनाई है, यानी कि अंदर वाली जो आईज़ का एरिया है, कोना है, उसको भी मैंने ज़्यादा शार्प नहीं किया, और ना कोई आउटर वी या कोई विंग बनाया है। बहुत सिंपल, बहुत क्लासिक सा, बहुत स्ट्रेट सा आई लाइनर लगाया, जो कि लगाना बहुत ज़्यादा आसान है आप सबके लिए। और आई थिंक स्मोकी आई मेकअप के साथ ये वाला जो फ्लैट सा सीधा सा भी कोई एक आई लाइनर होता है ना, बड़ा सूट करता है। तो जी, मैंने सिंपल सा आई लाइनर लगाया है, और जो मेकअप है इसकी जो बेस है वो मैंने बहुत सिंपल तैयार की है। मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर एक बीबी क्रीम का रिव्यू दिया था, और उसको यूज़ करना भी बताया था, तो मैंने उसी बीबी क्रीम को यूज़ करके अपनी बेस जो है ऑलरेडी तैयार की हुई है। लाइनर लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक वाइट कलर का फेसअप का जेल लाइनर लेंगे, और उसको हम अपनी आईज़ के अंदर जो है अप्लाई करेंगे। वाइट कलर का ही जेल लाइनर है, आप काजल इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वाइट आई लाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज एक और हम टेक्निक कर रहे हैं कि मैंने जो लैश ग्लू है उसको मैंने एक छोटे से ब्रश पर लेके उसको मैंने डायरेक्ट आईज़ पर अप्लाई करने के बाद मैं लैश को जो है आँखों के ऊपर रख रही हूँ। ये जो बिगनर्स हैं जिनको आई लैशेज़ नहीं लगानी आती, उनके लिए
सबसे ईजी तरीका है कि वो जो ग्लू है आई लैश की, उसको किसी बहुत बारीक से स्टिक के ऊपर लगा के या टूथपिक पे लगा के पहले अपने जो आईज़ का आप एरिया है जहाँ पे लैशेज़ आपने लगाने हैं वहाँ पे मैंने चंद एक ड्रॉप्स लगा के फिर मैंने उसके बाद लैशेज़ को लगाया था। आप चाहें तो एक लाइन भी लगा सकते हैं ग्लू के साथ और फिर आप लैशेज़ को लगाएं तो वल्लाह बहुत ज़बरदस्त लैशेज़ लगते हैं और कभी भी नहीं उतरेंगे और बहुत आसान टेक्निक है। आई होप आपको आज का लुक पसंद आया, अगर पसंद है तो ज़रूर मुझे बताइएगा इंस्टाग्राम के ऊपर भी और कमेंट बॉक्स में भी। अगली किसी वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।